लेकिन इससे पहले आरके चौधरी सपा के सांसद जिन्होंने कहा कि सिंगोल जो है वो राजतंत्र का प्रतीक है और उसकी जगह संविधान की कॉपी लगानी चाहिए, उससे खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार गौरव। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी मेरे साथ है। चौधरी साहब, आप शपथ ले रहे थे, सिंगोल आपके पीछे था, उससे आपको क्या आपत्ति हुई? देखिए, सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, लेकिन जो संसद भवन है ये बना है लोकतंत्र के लिए, तो लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक हो ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि अगर देश में या इस संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी है तो सिंगोल को हटाना है। लोग ये कहते हैं कि सिंगोल जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठा है उसको जस्टिस करना चाहिए, इसलिए लगाया है। सिंगोल हिंदी भाषा नहीं है, ये भाषा है वहाँ का, तमिल भाषा है, और तमिल में सिंगोल उसको कहते हैं जिसको कहते हैं राजदंड। राजदंड माने होता राजा की छड़ी, राजा डंडा। तो पहले जमाने में राजा रजवाड़े होते थे, वो दरबार में डंडा लेके बैठते थे, जो कह दिया कह दिया, ना खाता ना बही, राजा साहब जो कह दिया वही सही। तो अब क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे इस देश में संविधान लागू है, उसकी मान्यता है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र चलेगा संविधान से। मुझे लगता है कि सिंगोल को उखाड़ फेंकना चाहिए और उसकी जगह पे संविधान के बड़ी प्रति बना के स्थापित करना चाहिए। तो सहयोगी दलों से इस चीज के लिए भी आप समर्थन मांगेंगे क्या? भाई चिट्ठी दे दिया, अब मांगेंगे, स्पीकर को दिया आपने, बाकी सहयोगी है, स्पीकर को दिया है, लेकिन जो हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे एलाइज हैं, उनको पत्र से शुक्रिया लेटर दे दिया। शुक्रिया आपका। ये आर के चौधरी हैं, सांसद समाजवादी पार्टी के, संसद भवन में जो सेंगोल लगाया गया था उसको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और वहां पे संविधान की एक बड़ी कॉपी लगाने की मांग कर रहे हैं। कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। और इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार बने हुए हैं। रमन, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त क्या स्थिति है? लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, अब भी क्या ये विवाद चल रहा है और क्या डीएमके की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि जब सिंगोल को स्थापित किया गया था तो तमिलनाडु से इसके मायने जोड़कर देखे गए थे, तो क्या डीएमके की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, यही बड़ा पेच है कि डीएमके का रुख क्या होता है, डीएमके इस पूरे मामले पर डीएमके का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर, कांग्रेस और डीएमके अलायंस पार्टनर हैं तमिलनाडु में, और कांग्रेस पार्टी अपना रुख तभी तक साफ नहीं करेगी जब तक डीएमके का रुख उसे पता नहीं चल जाए, क्योंकि डीएमके के रुख को जानने के बाद ही इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। आरके चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और तमाम हमारी पार्टी के नेता जो हैं और दूसरी पार्टी के नेता इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें समर्थन प्राप्त है, और समर्थन प्राप्त होने के चलते इस बात को मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे आम सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जो राजदंड का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है, उस प्रतीक चिन्ह को हटाकर संविधान की कॉपी वहां पर स्थापित की जानी चाहिए और इस बात की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। विपक्ष अब किस तरीके से इस मुद्दे को और किस स्वरूप में उठा सकता है? देखिए, आज तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है विवाद सामने आया और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब जाहिर तौर पर विपक्ष ये भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों को इसमें जोड़ा जाए, लेकिन जिस तरीके से हम जो डीएमके की बात कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु से जोड़कर सिंगोल को देखा जाता है और जब पिछली संसद में इसे स्थापित किया गया था तब भी इसके मायने बताए गए थे, तो क्या सरकार द्वारा भी एक बार फिर से सिंगोल के मायने या अर्थ साझा किया जा सकता है? देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अभी तक राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई है और लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने के बाद इस मामले को संसद के अंदर उठाया जा सकता है। संसद के अंदर आरके चौधरी उठा सकते हैं इस मामले को और उसका समर्थन समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता, दूसरे सांसद कर सकते हैं, या मीसा भारती भी कर सकती हैं, संजय सिंह भी राज्यसभा में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है। ठीक है रमन, समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सिंगोल विवाद अब बढ़ता जा रहा है और लोकसभा की कार्यवाही अब स्थगित हो गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर चिट्ठी लिखी गई है। अब आने वाला देखने वाला समय होगा कि आपातकाल का विषय तो अभी चल ही रहा है, लेकिन अब सिंगोल विवाद ने एक बार फिर से संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों का दौर बना रहेगा, आप देखते रहिए News 24।